हेलो बच्चों, आज हम टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है किसी ड्राइंग को बनाने में। लाइन बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उसमें से कुछ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर मैंने लिखा है, उसको आइए समझते हैं। पहला है विजुअल लाइंस, और इसे हम आउटलाइन भी कहते हैं। जिस लाइन से हम किसी वस्तु के चित्र को ड्रॉ करते हैं, इसमें ये जो दोनों तरफ जो लाइन दिखाई दे रहा है वो कंस्ट्रक्शन लाइन है। इस कंस्ट्रक्शन लाइन को हम लोग बहुत ही हल्के कलर में दिखाते हैं, लेकिन जो आउटलाइन है, जो विजुअल लाइन है, जो कि दिखाई दे रहा है, जो कि ड्राइंग को प्रदर्शित कर रहा है, वो लाइन विजुअल लाइन कहलाता है। और उस लाइन को हम थोड़ा सा डीप, जैसे कि इसमें दिखाया गया है, डीप कलर में हम लोग व्यक्त करते हैं। जैसे यहाँ दिखाई दिया गया है सेक्शन लाइन, तो सेक्शन लाइन जब हम बनाते हैं तो उसे हम बहुत ही डार्क में नहीं दिखाते हैं, बल्कि विजुअल से थोड़ा विजुअल से लो कलर में दिखाते हैं। तो इस तरह के जो हम पहला हुआ विजुअल लाइन, दूसरा सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन जो है सेक्शन करने के इस्तेमाल आता है, इसको हम हैचिंग लाइन भी कहते हैं। और इसे हम 45 डिग्री के कोण पर बनाते हुए और समान दूरी पर दिखाते हैं, तो ये हमारा सेक्शन लाइन कहलाएगा। तीसरा है सेंटर लाइन। जो लाइन किसी सर्किल के सेंटर से होकर गुजरती है, उस लाइन को हम सेंटर लाइन कहते हैं। जैसे यहाँ सर्किल दिखाई दे रहा है, सर्किल से दो लाइन गुजर रही है, हम ऐसे भी कहीं से भी खींचेंगे तो जो लाइन सेंटर से गुजरेगा उसको सेंटर लाइन कहेंगे। सेंटर लाइन हम एक बहुत ही छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, इस तरह से बनाते हैं सेंटर लाइन को। चौथा में आता है डायमेंशन लाइन एंड एक्सटेंशन लाइन। ये दोनों लाइन साथ साथ चलते हैं, क्योंकि जब हम डायमेंशन लाइन खींचते हैं तो उसके साथ हम लोग एक्सटेंशन भी बनाते हैं, ताकि लाइन को जो है प्रेजेंट किया जा सके कि यह कितनी दूरी तक है। तो एक्सटेंशन लाइन, ये लाइन जो दोनों तरफ जो छोटा छोटा जो लाइन दिखाया गया है, उस लाइन को हम लोग एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। और जो लाइन ड्राइंग के डायमेंशन को दिखाया गया है, जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 40 दिखाया गया है, तो इस तरह के लाइन को हम डायमेंशन लाइन, और दोनों तरफ ये जो खींचा हुआ लाइन है उसको हम लोग एक्सटेंशन लाइन कहते हैं। पांचवा में आता है लीडर लाइन। जो लाइन सर्किल को दिखाने के लिए यूज होता है, उस लाइन को हम लीडर लाइन कहते हैं। जैसे 550 दिया हुआ है, तो इस सर्किल का जो है वो डायमीटर 50 है, तो इस तरह के लाइन को हम लीडर लाइन कहते हैं। अगला है फैंटम लाइन। फैंटम लाइन में हम लोग एक बड़ा दो छोटा इस तरह से बनाते हैं फैंटम लाइन को। यदि कोई वस्तु यहाँ पर थी और कुछ समय के बाद रोटेट होकर के यहाँ आ गई, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग फैंटम लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और चूंकि ये लाइन कभी यहाँ था, तो इस तरह के लाइन को हम फैंटम लाइन कहते हैं। सातवां है ब्रेक लाइन। जो लाइन ब्रेक करने के लिए दिखाया जाता है, ब्रेक मतलब हुआ कि किसी भी मशीन पार्ट्स को जब हम दिखाते हैं, स्टडी करना होता है, तो हम पूरे मशीन को नहीं दिखाकर हम एक खास भाग को दिखाते हैं, ताकि उसका स्टडी किया जा सके। तो और चीज़ को हम ब्रेक करके नहीं दिखाते हैं, और हम सिर्फ उसी चीज़ को दिखाते हैं जिसको हमको स्टडी करना है। तो ये ब्रेक लाइन हमें वहाँ पर बहुत ही हेल्प करता है। तो ब्रेक लाइन जो है वो
टूटा हुआ लाइन है ना, ब्रेक करके हम इस लाइन को दिखाते हैं। तो इस तरह से ये लाइन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं किसी ड्राइंग को बनाने में, हमें इन पर ज़रूर ही ध्यान देना चाहिए एक अच्छे ड्राइंग को बनाने के लिए। धन्यवाद।